अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वंस अगेन मैं हूं आपका खुश मजार इकबाल, यू आर वाचिंग द हॉक। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो कि खिलाफत अब्बासिया के ऊपर हमारी पांचवीं किस्त है, इसमें हम खलीफा हारून रशीद के मुतालिक बात करेंगे। खलीफा हारून रशीद खिलाफत अब्बासिया का पांचवा हुक्मरान था। किस तरह ये खिलाफत पर बैठा, मजनत पर आके ये बैठा, किस तरह इसका दौर गुजरा और इसके ज़ाती औसाफ बयान करेंगे। दूसरा, किस तरह इसने बास्तीनियों को शिकस्त दी और उनके साथ मुख्तलिफ जंगें लड़ी, और ये कि बहलोल ने किस तरह इसकी बीवी को जन्नत भेजी थी, एक ही ज़बरदस्त वाक्य है वो आपको सुनाते हैं। और दूसरा ये कि इसकी बीवी एक आबदा और जाहिदा खातून थी। किस तरह हारून रशीद रोमियों के खिलाफ जंग के लिए निकला और किस तरह इसकी रास्ते में डेथ हो गई, और एक ये कि किस तरह इसकी बीवी हज करने के लिए मक्का शरीफ गई थी और वहाँ पर इसने मतलब पानी का वहाँ पे कुछ मसला था जिसकी वजह से हाजियों को तकलीफ होती थी वज़ू के लिए और दीगर इस्तेमाल के लिए पानी, और उसने एक नहर खुदवा कर दी थी, उसका भी जिक्र करते हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दी और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वॉच फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। तो वेलकम बैक दोस्तों, हारून रशीद की पैदाइश 763 ईस्वी में हुई और इंतकाल जो है इसका 809 ईस्वी में हुआ। पांचवें और मशहूर तीन अब्बासी खलीफा थे, वो 786 से लेकर 24 मार्च 809 ईस्वी तक मसनद खिलाफत पर रहे, मतलब किंग रहे, और इनका दौर साइंसी सकाफती और मजहबी रवादारी का दौर कहलाता है। इसके दौर हुकूमत फन हरफत मौसीकी ने भी अरूज हासिल किया। इसका दरबार इतना शानदार था कि महरूफ किताब अलिफ लैला शायद इन्हीं के दरबार से मुतासर होकर लिखी गई थी। दोस्तों हारून रशीद की जो पैदाइश है वो 17 मार्च 766 ईस्वी में हुई और इसकी जो वफात है वो 24 मार्च 809 ईस्वी में हो रही है, और 43 साल की उम्र में इसकी डेथ होती है। और जो ये मदफन है खरासान में इनकी कब्र है, शौहरिया जो है कि दौलत अब्बासिया है। इसके वालद का नाम महदी था, इसकी वालदा का नाम मलका खिजरान था, इसके भाई जो था मूसल महदी था और अब्बास था, और उसकी जो खिलाफत थी जो उसका ख़ानदान था वो अब्बासिया था। इसकी ज़ौजा मुहतरमा का नाम ज़ुबैदा बिनते जाफ़र था, और इसकी जो औलाद थे उनमें से अमीन था, रशीद था, मामून था, और उसके बाद रशीद मुल्सम बिल्ला था। दोस्तों हारून रशीद तीसरे अब्बासी खलीफा अल महदी के साहबजादे थे, मतलब बेटे थे, जिन्होंने 775 ईस्वी से लेकर 785 तक खिलाफत की। हारून रशीद उस वक्त खलीफा बने जब वो उसकी उम्र 22 ईयर्स थी, और मतलब अपनी उम्र के पहले हिस्से में वो मतलब किंग बन गए। जिस दिन उन्होंने मसनद खिलाफत संभाली उसी दिन उनकी अहलिया ने मामून रशीद को जन्म दिया। हारून रशीद के दौर में अब्बासी खिलाफत का दारुल हुकूमत बगदाद में अपने अरूज पर पहुंच गया। उन्होंने बगदाद में नया महल तामीर करवाया जो इससे कबल के तमाम महल्लात से ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत था, जिसमें इसका मारूफ दरबार भी था जिससे हज़ारों दरबारी वाबस्ता थे। बाद में उन्होंने शाम के हालात के पेश नज़र दरबार अलरक्का शाम मुंतकिल कर दिया, तहम उनका कहना था कि बगदाद दुनिया के किसी भी मकाम से ज़्यादा बेहतर है। हारून एक आदल बादशाह था जो रातों को भेष बदल के दारुल हुकूमत की गलियों में चक्कर लगाकर अवाम के मसाइल मालूम करता था और उनको हल करता था। दोस्तों हारून इल्म शायरी और मौसीकी से मोहब्बत रखने के अलावा खुद एक आलिम जाहिद और शायर था, और उसे जब भी अपनी सुल्तनत या पड़ोसी सुल्तनत में किसी आलिम का पता चलता तो उसे अपने दरबार में ज़रूर तलब करता। उसके दौर में खिलाफत अब्बासिया चीन और फ्रांस के साथ सफारती ताल्लुकात कायम हुए, मतलब इसकी सुल्तनत में इसके दौर में फ्रांस और चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए गए। दोस्तों अस्करी अगर शोबे की बात की जाए तो उसमें हारून एक जांबाज सिपाही था जिसने उस वक्त अपनी बहादुरी के जोहर दिखाए जब उसके वालिद खलीफा थे। उन्होंने बाद में बास्तीनी सुल्तनत के खिलाफ 95,000 की फौज की कमान संभाली जो उस वक्त के मलक ईरानियन के जेर सरबराही थी, मतलब उस वक्त 95,000 की जो फौज थी वो इसके अंडर थी, और इसने जंग जो ईरान की मलका के खिलाफ लड़ी थी। ईरान की मलका के मारूफ जनरल नाइटस को शिकस्त देने के बाद हारून की फौज ने करीसो पोल्स जो कि मौजूदा तुर्की का एरिया है उसमें पड़ाव डाला, जो कि कुस्तनतुनिया के बिल्कुल सामने एशिया हिस्से में कायम था। जबकि मलका ईरानिया ने देखा कि मुस्लिम फौज शहर पर कब्जा करने वाली है तो उसने मुहाइदे के लिए सफीरों को भेजा, लेकिन हारून ने फौरी हथियार डालने का मुतालबा करते हुए
तमाम शराइत मंजूर करने से इनकार कर दिया। और कहा जाता है कि एक सफीर ने कहा कि मलका ने बतौर जनरल आपकी सलाहियतों के बारे में बहुत कुछ सुना है, हालांकि आप उनके दुश्मन हैं, लेकिन वे बतौर एक सिपाही आपकी कदर करती हैं। हारून ने उनके कलामात से खुश हुआ और सफीरों को कहा कि अपनी मलका से कह दो कि वो हमें सालाना 70,000 अशरफियाँ अता करती रहेंगी तो कोई मुस्लिम फौज कुस्तुनतुनिया को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। मतलब उस वक्त कुस्तुनतुनिया ईरान के कब्ज़े में था, अभी तुर्की के कब्ज़े में नहीं था। खैर, तुर्की तो बाद की बात है, अभी तो मतलब खिलाफत अब्बासिया चल रही थी, ये ख़त्म हो जाती है, इसके बाद थोड़ा सा टाइम पीरियड मतलब रह जाता है, उसके बाद सुल्तनत जो है उस्मानिया आती है, उस्मानियों से पहले मतलब ईसाइयों ने कब्ज़ा किया होता है, ये मतलब बाद में चलता रहता है, लेकिन खिलाफत अब्बासिया के अंडर तुर्की पहले से मौजूद था। मलका ने इस शर्त को तस्लीम कर लिया और पहले साल का खराज अता कर दिया, जिस पर मुस्लिम अफवाज वापस घरों को लौट गए। कई साल तक खराज की अदायगी के बाद 802 ईस्वी में नाइसो फोर्स ने खराज की अदायगी से इनकार करते हुए जंग का ऐलान कर दिया। हारून एक अजीम फौज लेकर नाइसो फोर्स के मुकाबले पर आया और बहिराए अस्वद के किनारे शहर पर आकर वहां पर तमाम का तमाम जो उसका एरिया था उसको मुहासरा करके नाइसो फोर्स को दोबारा खराज की अदायगी पर रजामंद करने की कोशिश की। अच्छा, ये जो बहिरे अस्वद है ये भी इस वक्त तुर्की के अंडर है, लेकिन तुर्की और यूनान का इसके ऊपर थोड़ा सा भी फटा चल रहा है, मतलब इसमें जो वो मटेरियल निकल रहा है ना, गैस और इसको लेकर अपना तेल को लेकर। अच्छा, खलीफा के बगदाद पहुंचते ही वो एक मरतबा फिर से मुकर गया। मतलब ये कि जब खलीफा हारून रशीद ने उसको मतलब फोर्स किया कि वो दोबारा खराज हमें पेश करें और हम वापस चले जाएंगे, उस वक्त मतलब जब इन्होंने मुहासरा किया तो वो राज़ी हो गए, लेकिन जैसे ही खलीफा पहुंचा उधर बगदाद पहुंचा वापस चला गया तो ये अपने मुहैदे से फिर गया, जिस पर हारून रशीद ने 15,000 अफराद के साथ एशियाई कोचक पर एक मरतबा फिर हमला आवर हुआ, जबकि रूमियों की तादाद 1,25,000 थी, लेकिन हारून ने उसे ज़बरदस्त शिकस्त दी और नाइसो फोर्स जख्मी हुआ और उसके 40,000 फौजी मारे गए। जी, जो नाइसो फोर्स की टोटल आर्मी थी उसके पास 1,25,000 सिपाही थे, जिसमें से 40,000 मुसलमानों के हाथों मतलब 15,000 मुसलमानों के हाथों मारे गए। खराज की अदायगी पर रजामंदी के इजहार के बावजूद रूमी बादशाह एक मरतबा फिर मुकर गया, जिस पर हारून रशीद ने उसके कत्ल का हुक्म जारी कर दिया और एक मरतबा फिर रूमी सुल्तनत पर चढ़ाई कर दी गई, लेकिन उस वक्त सुल्तनत अब्बासिया के एक शहर में बगावत शुरू हो गई थी। जैसे ही बगावत शुरू हुई तमाम का तमाम खिलाफत अब्बासिया का पांसा पलट दिया गया, लेकिन उस वक्त सुल्तनत अब्बासिया में मतलब पहले से ही कुछ बगावतें शुरू हो चुकी थी, तो इस वजह से इसका पांसा पलटा गया और इसका शेराजा बिखर गया। खिलाफत अब्बासिया में बगावत शुरू हो गई थी, दूसरी जानब सुल्तनत अब्बासिया के खिलाफ बाहर की फोर्सों ने भी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था। इसी बाहर के प्रोपेगेंडे के जेरे असर उस मतलब रूमी किंग ने इसकी मतलब बगावत का ऐलान कर दिया कि हम भी बगावत करेंगे। पहले भी मतलब अब्बासिया में ये खिलाफत के मुतालिक बहस छेड़ चुकी थी, अब दोबारा दूसरी फोर्सों ने भी ये काम करना शुरू कर दिया, मतलब बगावत शुरू कर दी, और उन्होंने वो जो खराज दे रहे थे उसका इनकार कर दिया। इसी को कुचलने के लिए हारून उस जाने पर वरना हुआ, लेकिन बीमारी के बाद इंतकाल कर गया और हारून रशीद को तूस में दफना दिया गया। दोस्तों, हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून बहुत ही दीनदार और साहेब व इल्म फजल खातून थी। उसके महल में 1,000 बानियां 24 घंटे कुरान पाक की तिलावत में मशगूल रहती थी। खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून एक मतलब हज की अदायगी के लिए मक्का तशरीफ ले गई। उन दिनों उस वक्त मक्का मुकरमा में पानी की किल्लत थी और हिजाज कराम को खास तौर पर बहुत तकलीफ थी, मतलब वो लोग जो हज के लिए गए थे। उन्होंने जब पहले मक्का और हाजियों कराम को पानी की दुश्वारी और मुश्किलात में मुब्तला देखा तो उन्होंने बहुत रंज हुआ, चुनवाचा उन्होंने अपने ही अखराजात से एक अजीम शान नहर खोदने का हुक्म जारी कर दिया और फकीहुल मिसाल का नामा सर अंजाम दे दिया जो रहती दुनिया तक यादगार रहेगा। नहर की खुदाई का मनसूबा बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों से माहिर इंजीनियर बुलवाए गए। इंजीनियर के मनसूबे के मुताबिक सरहद से 35 किलोमीटर शुमाल मशरक में वादी हुनैन से नहर निकालने का प्रोग्राम बनाया गया। इस अजीम मनसूबे पर 17 लाख दिनार खर्च हुए। जब नहर जुबैदा की मनसूबा बंदी शुरू हुई, जुबैदा की मतलब उस नहर का नाम जुबैदा रखा गया, उसकी मनसूबा बंदी शुरू हुई तो इस मनसूबे का मुंतजिम इंजीनियर आया और कहने लगा कि आपने जिसका हुक्म दिया है उसके लिए
ताज़े अखराजात हमें ज़रूरत पड़ेंगे, क्योंकि इसकी तकमील के लिए बड़े बड़े पहाड़ों को काटना पड़ेगा, नशेब व फराज की मुश्किल से गुजरना पड़ेगा और सैकड़ों मजदूरों को दिन रात मेहनत करना पड़ेगी, तब कहीं जाकर मनसूबा आपका मुकम्मल हो जाएगा। ये सुनकर जुबैदा ने इंजीनियर से कहा कि इस काम को शुरू कर दो, खास कुल्हाड़े की एक जरब पर एक दिनार खर्च आता है। मतलब उसने कहा कि इसके ऊपर जितना भी पैसा लगता है इस काम को शुरू किया जाए, अगर जा उसके कुल्हाड़े की एक जरब के ऊपर हमें एक दिनार भी खर्च करना पड़े। इस तरह जब नहर का मंसूबा मुकम्मल हो गया तो मुंतजमीन और निगरान हजरात ने अखराजात की तफसील मलका की खिदमत में पेश की और उस वक्त मलका दरियाए दजला के किनारे वाकई अपने महल में बैठी हुई थी। मलका ने तमाम कागजात लिए और उन्हें खोले बगैर दरिया में बहा दिया और कहने लगी, या अल्लाह, मैंने दुनिया में कोई हिसाब नहीं लेना, तू भी मुझसे कयामत के दिन कोई हिसाब ना लेना। मजीद ये कि हारून रशीद की बीवी साहिब बसीरत और हिकमत वाली थी। एक मरतबा खलीफा हारून रशीद उसकी बीवी दोनों दरिया के किनारे चहलकदमी कर रहे थे, वॉक कर रहे थे। एक फकीर जिसका नाम बहलोल दीवाना था वो दरिया के किनारे रेत के घर बना रहा था। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, ये जो बहलोल था ये हारून रशीद के ज़माने में यतीम बच्चों को पालता था, इसका यतीम खाना था, मजदूरी करके ये यतीम बच्चों को खिलाता था। और मज़े की बात ये मैं आपको बताऊँ कि बहलोल हज़रत अली अलैहिस्सलाम का बहुत ही बड़ा दीवाना था। खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून ने पूछा उसी से, बहलोल से, बहलोल मट्टी के घर बना रहा था, मतलब दरिया के किनारे। बहलोल ने बहलोल से पूछा कि क्या बना रहे हो, तो बहलोल ने जवाब दिया कि मैं जन्नत बना रहा हूँ। जुबैदा ने पूछा कि बेचते हो इस जन्नत को, बेचते हो, तो बहलोल ने कहा जी बिल्कुल बेचता हूँ। जुबैदा ने पूछा कि कितने का है, मतलब ये जन्नत तुम बना रहे हो बेचनी है, कितने की बेचनी है? तो बहलोल ने कहा कि आपके गले में ये जो हार लटक रहा है ना, इसकी कीमत ये, वो हीरे का हार था और आज के ज़माने में अगर उसकी कीमत की जाए तो करोड़ों रुपए की मलकियत थी। जुबैदा को कहा कि ये गले का हार जो आपके गले में है इसकी कीमत यही है, ये जो जन्नत में बना रहा हूँ। जुबैदा ने वो हार उतार कर अपने गले से दे दिया बहलोल को और वहाँ से मट्टी की जन्नत उठाकर अपने जाकर महल में रख दी। हारून रशीद को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा कि तुमने इस बेवकूफ़ की, इस फकीर की बात मान ली और करोड़ों रुपए का जो हार था तुमने उसको दे दिया एक मट्टी की जन्नत के लिए। वो खामोश हो गई। जब रात को सो रहे थे तो ख्वाब में हारून ने देखा कि वो रोज़े माशर लगा हुआ है, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है और जो मेरी बीवी है जुबैदा वो जन्नत में जा रही है और मैं इधर खड़ा हूँ, हिसाब किताब दे रहा हूँ, मैं चीखो पुकार रहा हूँ, मुझे कोई अंदर जाने नहीं दे रहा और जुबैदा इस वक्त जन्नत में चली गई। और जैसे ही वो मतलब ये ख्वाब देख रहा था उसकी आँख खुल गई, अचानक उठा, सुबह होने तक इंतज़ार किया और सुबह ही जाकर बहलोल का दरवाज़ा खटखटाया। बहलोल बाहर निकला, बहलोल से पूछा, बहलोल कि जन्नत बनाई है कि नहीं? कि बहलोल ने कहा कि बनाई है, उसने कहा बेचनी है जी बेचनी है। बहलोल ने कहा कितने की? कहा तुम्हारी सारी सुल्तनत। उसने कहा ये क्या, कल तो तुमने एक हार के बदले दे दी थी और आज इतनी कीमत मांग रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया कि कल जो जिसने सौदा किया था उसने बगैर देखे किया था और आज जो तुम सौदा करने आए हो ना, ये तुमने देख कर सौदा किया है। तो ये जो बहलोल था ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम का दीवाना था, बहुत ही मतलब आलिम बुजुर्ग था और सूफ़ी था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हसब मूल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वॉच फॉर मोर वीडियो लाइक दिस। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।